नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, टैली ERP9 का हमारा लेक्चर चल रहा है और आज आप लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 20। इसके पहले 19 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। जो फ्रेंड्स टैली को बिल्कुल जीरो से बेसिक से सीखना चाहते हैं, अकाउंट्स नहीं आता वो टैली सीखना चाहते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें डे वन से लेक्चर बाय लेक्चर अगर वो देखते हैं तो वो भी अच्छे से टैली को सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए एक बार थोड़ा सा हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सिलेबस है, ओवरव्यू ऑफ टैली से स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा वाउचर टाइप क्रिएशन, कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट, कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट, ये आज हमें कवर करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें लेक्चर नंबर 20 वाउचर टाइप क्रिएशन, कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट, इसको कवर करना है। फ्रेंड्स, आइए हम लोग टैली में चलते हैं और आगे देखते हैं कि असाइनमेंट कौन सा है हमारे पास और इसको कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 20 वाउचर टाइप क्रिएशन। इसमें आप देखेंगे कैपिटल है, डिपॉजिट है, विड्रॉल है, परचेज है, सेल्स है, फर्नीचर है। फर्नीचर रेड कलर से है फ्रेंड्स, ये जो रेड कलर से है इसको जब इसकी एंट्री हम करेंगे तो इसका जो पेमेंट है वो कैश ना दे करके हम चेक देंगे। रेंट कैश पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक पे करेंगे, टेलीफोन बिल चेक पे करेंगे, वेजेस कैश पे करेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कैश पे करेंगे, सैलरी चेक पे करेंगे, रेंट रिसीव, ये हमें मिल रहा है, ये हमारी इनकम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका इतना पूरा सारी एंट्री आपकी पेमेंट में जानी है और पेमेंट में जो रेड कलर से है वो हम चेक पेमेंट करेंगे और जो आपका ब्लू कलर से है वो हम कैश पेमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसी को हम लोग करते हैं वाउचर टाइप क्रिएशन में जाके। हम लोग क्या करते हैं, जो पेमेंट का आपका वाउचर है उस पेमेंट को, वाउचर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक कैश पेमेंट और दूसरा बैंक पेमेंट। तो जो चेक से पेमेंट होगा उसकी एंट्री हम लोग बैंक पेमेंट के अंतर्गत करेंगे और जो कैश से पेमेंट होगा उसकी एंट्री हम लोग कैश पेमेंट के अंतर्गत करेंगे। इससे क्या होता है कि डे बुक पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने लोगों को हमने चेक दिया है और कितने लोगों को कैश दिया है। तो फ्रेंड्स, इसको आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे वाउचर टाइप टेस्ट नाम की कंपनी है, इसको हमने क्रिएट कर ली है। इसमें हमने लेजर्स बना लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ लेजर्स कौन कौन से बने हुए हैं। लेजर में जाएंगे, यहाँ से ये आपके लेजर बने हुए हैं फ्रेंड्स। कैपिटल का कैश ऑलरेडी रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फर्नीचर, ICICI बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी रहता है, परचेज, रेंट, रेंट रिसीव, सेल्स, टेलीफोन बिल एंड वेजेस, ये हमारे लेजर बने हुए हैं फ्रेंड्स। ये लेजर बनाने होंगे असाइनमेंट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ से वाउचर एंट्री यानी अकाउंटिंग वाउचर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे। तो वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए ये अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे और यहाँ से ये आपका वाउचर टाइप है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे गए, पूछ रहा है हमसे वाउचर टाइप कैश पेमेंट। और फ्रेंड्स, इसमें दो जगह ध्यान देना है, एक तो आपका वाउचर का नेम ध्यान देना है यहाँ पे और दूसरा टाइप ऑफ वाउचर, कौन से वाउचर को हम क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो हम पेमेंट को क्लेरिफाई कर रहे हैं यानी पेमेंट को हम बता रहे हैं कि कैश से करेंगे या बैंक से करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट हो गया, बाकी सारी बाय डिफॉल्ट होता है, एंटर करके सेव कर दीजिए। अगला आप बनाइए बैंक, बैंक पेमेंट, ये हो गया, ये भी आपका पेमेंट में जाएगा क्योंकि ये भी हम पेमेंट ही कर रहे हैं बट चेक से कर रहे हैं। ये दो हमने वाउचर बना लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम बाहर आएंगे, अब सीधे हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर पे गए,
सबसे पहले कैपिटल की एंट्री होगी F6, कैपिटल देख लेते हैं कितना है, असाइनमेंट में चेक कर लेते हैं। कैपिटल है आपका 5 लाख, डिपॉजिट 2 लाख, विड्रॉल 50,000। तो यहाँ से 5 लाख रुपए आपका, ये आपका कैपिटल हो गया। बैंक डिपॉजिट F4 कॉन्ट्रा में जाएंगे, डिपॉजिट करना है 2 के साथ, कैश होगा 2 लाख रुपए बाई बैंक, ये आपका हो गया फ्रेंड्स। ये डिटेल्स एंट्री करके इसको सेव कर देंगे, ये हमारा 2 लाख रुपए डिपॉजिट हो गया। इसके बाद हम करेंगे विड्रॉ 50,000 रुपये, तो 2 के साथ बैंक होगा 50,000, एंटर करेंगे और बाई कैश हो जाएगा, कैश रिसीव हो गया, बैंक से निकाल लिया हमने। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है परचेज, फ्रेंड्स F9 प्रेस करेंगे, परचेज आएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें एक बार असाइनमेंट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे परचेज डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ है, सेल्स में भी इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए राइट साइड में ये एज वाउचर लिखा हुआ है, यहाँ से हम अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे, एज वाउचर पे क्लिक करेंगे तो हमारा टू और बाई आ जाएगा। परचेज हमें कितना करना है, परचेज है आपका 20,000, सेल्स है 50,000। तो यहाँ पे कैश 20,000, परचेज हो गया आपका। नेक्स्ट F8 प्रेस करेंगे, सेल्स आ जाएगा, सेल्स आ गया, कंट्रोल वी वापस से, और यहाँ पे कैश 50,000 का हम लोग क्या करेंगे, सेल्स कर देंगे, 50,000 हमने सेल्स कर दिया, ये आपका हो गया। ये करने के बाद फ्रेंड्स अगला देखते हैं क्या है हमारा, फर्नीचर, फर्नीचर रेड है यानी ये हमें बैंक पेमेंट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, जैसे ही आप F5 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे पेमेंट करने के लिए, तो आपके सामने 3 चीज़ें दिखेंगी, एक तो नॉर्मल पेमेंट दिखेगा, एक कैश पेमेंट दिखेगा, दूसरा बैंक पेमेंट दिखेगा। तो चूंकि इसको हमें चेक देना है, जहाँ से भी हमने फर्नीचर खरीदा उसको हम चेक पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बैंक पेमेंट ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वाउचर आपका बैंक पेमेंट दिखाई दे रहा है। इसके बाद से यहाँ से हम ले लेंगे फर्नीचर, सिंपल है, जैसे करते थे वैसे ही करना है। अमाउंट, अमाउंट चेक कर लेते हैं, 20,000, 20,000 बाई, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हम कैश ना लेकर के हम लेंगे बैंक का नाम, क्यों, क्योंकि हम चेक पे कर रहे हैं, और ये कहाँ से कटेगा, ये हमारे बैंक से कटेगा, तो यहाँ पे बैंक हो जाएगा, एंटर करके सेव कर देंगे, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड है हमारा सेल्स, सॉरी रेंट, रेंट नॉर्मल है यानी ये हमें कैश पेमेंट करना है। तो यहाँ पे वापस हम क्या करेंगे, F5 बटन प्रेस करेंगे और कैश पेमेंट चूज करेंगे यहाँ से, यहाँ देखिए कैश पेमेंट सेट हो गया। अब हम ले लेंगे सैलरी, सैलरी का लेजर नहीं बना है, सॉरी रेंट, रेंट है, यहाँ पे ले लेंगे रेंट 5,000 और यहाँ पे कैश, यहाँ पे कैश रहेगा, कैश पेमेंट यहाँ सेट है अगर, तो यहाँ कैश रहेगा, ये ले लिया। अब इसके बाद अगला क्या है आपका, अगला इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और सैलरी, ये तीनों बैंक पेमेंट है, तीनों की एंट्री एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे F5 अगेन प्रेस करेंगे, बैंक पेमेंट ले लेंगे। फ्रेंड्स आप लोग जैसे ही बैंक पेमेंट आप लोगों को करना है, तो बैंक पेमेंट में जितनी एंट्री हो सब एक साथ पहले फिनिश कर डालिए, फिर वापस F5 प्रेस करके कैश पेमेंट लीजिए और फिर उसको फिनिश करिए, या आप 1x1 भी कर सकते हैं, बट दैट इज लॉन्ग प्रोसेस। यहाँ से ले लिया इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और सैलरी,
यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेते हैं, 850, टेलीफोन बिल 500, 850। फ्रेंड्स, इसमें एक नई चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपका इसी में अगर मल्टीपल एंट्री करना चाहते हैं तो मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हैं आप। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लिया और इसके साथ आप टेलीफोन बिल भी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे टू की जगह पे आप बी लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये बाई आ जाएगा। अब आपने ले लिया टेलीफोन बिल, यहाँ पे आपने ले लिया 500 रुपीज़। इसके बाद फिर से बी प्रेस करेंगे तो आपका सैलरी आ जाएगा, बट सैलरी का लेजर नहीं है। ऑल्ट सी करके लेजर क्रिएट कर लेते हैं, शॉर्टकट की है ये। सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपका क्रिएट हो गया, सैलरी आ गया। सैलरी कितना है, 10,000, 10,000 कर देते हैं, 10,000, एंटर एंटर, और यहाँ पे ICICI बैंक। लेकिन फ्रेंड्स, ये इस तरह से एंट्री हम तभी करेंगे जब एक ही डेट में एंट्री हो रही हो। जैसे यहाँ पे देखिए, 1 अप्रैल में ही ये तीनों एंट्रीज हुई, तब हम यूज़ करेंगे। ये हमने चेक से सबको पे कर दिया, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बचा हुआ है वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस और रेंट रिसीव। तो फ्रेंड्स, वेजेस के लिए F5 प्रेस करेंगे और कैश पेमेंट ले लेंगे। वेजेस मैं 1000 दे देता हूँ यहाँ पे, कैश। फैक्ट्री एक्सपेंस इसको 1500 दे दिया, सॉरी 1500 कैश। और रेंट रिसीव्ड, फ्रेंड ये हमारा इनकम है तो ये रिसिप्ट में जाएगा, F6 में जाएगा। ये देखिए रिसिप्ट वाउचर आ गया और यहाँ पे रेंट रिसीव्ड ले लेंगे 2 लाख रुपीज़, और कैश रिसीव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वाउचर एंट्री हो गई। अब इसके बाद देखिए इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा। इसके लिए हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में, ये देखिए डिस्प्ले, और इसके बाद डे बुक में जाएंगे। वाओ, अब ये डे बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट 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 लिख के आता था, यहाँ पे अब इसने नॉर्मल पेमेंट ना लिख करके क्या कर दिया है, कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट में इसको क्लासिफाई कर दिया है। तो यहाँ से देख के ही आपको पता चल जाएगा कि दो लोगों को आपने एक और दो आपने चेक से पेमेंट किए हैं और बाकी तीन आपने कैश से पेमेंट किए हैं। ऑल्ट F1 करेंगे तो पूरी डिटेल्स दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, सैलरी ये आपने चेक से पे किया है, फर्नीचर भी आपने चेक से पे किया है, बाकी सभी आपका ये कैश पेमेंट आपने कैश पे किया है, रेंट वेजेस कैश पे किया है, फैक्ट्री एक्सपेंस कैश पे किया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का असाइनमेंट्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी हो, समझ में नहीं आता है या कोई डाउट होता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मेरी मेल ID पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे वीडियो को सर्च करने के लिए youtube.com में लिखें टैली बाय विष्णु सर, या अपनी कंप्यूटर पाठशाला जो कि चैनल का नाम है, ये डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, ये हमारी मेल ID दी गई है, कोई भी क्वेरी है आपकी इस पर मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।